हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आप स्तुति, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं इस सुंदर से समय के लिए प्रभु, हम आपकी महिमा करते हैं कि आज इस पवित्र दिन के लिए कि आपने हर एक एक मसीह भाई बहनों को सुरक्षित रखा, इस सुंदर सुबह के लिए हर एक एक मसीह भाई बहनों की परमेश्वर आज हर एक एक मसीह भाई बहन मिल करके प्रार्थना करें, विनती करें, दुआ करें ताकि आज आपके जीवन में प्रभु आपको ब्लेसिंग करे। आज आपके जीवन में जो दुष्ट आत्माएँ काम करती हैं, जो गंदी आत्माएँ काम करती हैं आपके शरीर में, आपके घर में, आपके बिजनेस में, आपके कामों में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके हर प्रकार की विचारधारा में, आपके जो काम धंधे हैं उसमें कहीं ना कहीं शैतान आपके ऊपर अटैक करता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, प्रभु ने जो आज सुंदर से दिन दिया है हमारे जीवन में, सुबह दी है, और परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक नई रोशनी दी है, एक नया प्रकाश दिया है, तो परमेश्वर का कोई न कोई मकसद होगा जो परमेश्वर ने आज हमें जीवित रखा है, जिस परमेश्वर ने आज हमें श्वास दिया है, परमेश्वर का कोई न कोई जो रास्ता है, जो मार्ग है, कोई न कोई उसकी योजना है जो हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर के कार्य पूरे होंगे। हालेलुया, इसीलिए हमें भरोसा और विश्वास के साथ इस वचन को और प्रार्थना को अंतिम तक करना है ताकि प्रभु हमें ब्लेसिंग करे, हमें आशीष दे, हमारे हर प्रकार के दुख में परमेश्वर हमारी सहायता करे, मदद करे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रियो, हम जानते हैं शैतान जो है वो हमारे जीवन को तोड़ना चाहता है, चाहे वो हमारे काम हो, कोई बिजनेस हो, किसी भी प्रकार की कोई चीजें क्यों ना हो, चाहे हमारे जीवन में शैतान का काम हो बीमारी को लाना, दुख को लाना, संकट को लाना, पति और पत्नी के बीच में बहुत सारी दरार उत्पन्न करना, अनेक प्रकार की लड़ाई और झगड़े से आज वो शैतान उसको अच्छा लगता है। हालेलुया, यदि आज मसीह भाई बहन परेशान होते हैं तो शैतान को बहुत खुशी मिलती है, लेकिन परमेश्वर को नहीं, क्योंकि परमेश्वर को कहता है कि मेरे बेटे और बेटियों के जीवन में जो आज दुख है वो शैतान की वजह से है, लेकिन परमेश्वर क्या करे, क्योंकि हम मसीह भाई बहने जब हम आज्ञा नहीं देते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैं तुम्हें सहायक दिए जाता हूँ पवित्र आत्मा का, तो उसे तुम जब आज्ञा दोगे तुम्हारे जीवन से वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके जीवन से जाएगी, निकलेगी, ये हमारा विश्वास और भरोसा होना चाहिए। लेकिन आज के समय में हमें प्रार्थना करने के लिए समय ही नहीं है, आज हमारे पास विनती करने के लिए, दुआ करने के लिए, उसके वचन को पढ़ने के लिए समय नहीं है, लेकिन आज जो आपके पास समय है थोड़ा सा, उसको आप देख करके इस प्रार्थना को आप अंतिम तक करें, ग्रहण करें, सुने तो आपके जीवन से वो हर प्रकार के बंधन, जो आपके लोग, आपके आस पड़ोस के लोग, आपके पड़ोसी जो आपसे जलन रखते हैं ईर्ष्या के कारण, जो आपको नहीं देखे पड़ते हैं, वो क्या करते हैं, काला जादू का सहारा लेते हैं, जादू टोने आपके घर में, आपके परिवार में, आपके बिजनेस में, आपके कामों में, कहीं ना कहीं वो चीज आपको देखने को मिलती है। आपने महसूस किया होगा शैतान जो आपके जीवन में है, कहीं ना कहीं आपको हर प्रकार के रास्ते वो आपका बंद करना चाहता है। हालेलुया, इसीलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 16 में लिखा है, यहाँ पे जिस तरीके से देखते हैं, जब यहाँ पे देखते हैं, हेरोदेस ने यह देखा कि ज्योतिषों ने मेरे साथ ये क्या किया, ठट्ठा किया, मतलब उसका मजाक उड़ाया, तब वह क्रोध से भर गया और लोगों को भेज करके ज्योतिषों से ठीक ठीक पूछे हुए समय के अनुसार बैतलम और उसके आसपास के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के अधिक थे या उनसे छोटे थे उन्हें क्या किया, वो मरवा डाला। हालेलुया, क्योंकि वो जानता था उसके मन में, हेरोदेस के मन में क्या आया, शैतान ने उसके मन में वो चीज डाला, उसके मन में वो क्रोध डाला, वो गुस्सा डाला कि अब तू राजा नहीं रहेगा, तो उससे कहीं बड़ा वो राजा आ चुका है यीशु मसीह के बारे में। इसीलिए शैतान जिस तरीके से काम करता है, उस राजा हेरोदेस को क्या करता है, भड़काता है और वो ऐसी आज्ञा दे देता है कि प्रभु यीशु मसीह को मारने के लिए, लेकिन बचाने वाला कौन है, जिस तरीके से परमेश्वर, तो यीशु मसीह को जिस तरीके से परमेश्वर ने बचाया उस शैतान के चंगुल से, और उसके बाद शैतान जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह को हमेशा मारना चाहता था, हमेशा हमें ये देखने को मिलता है, और जिस तरीके से परमेश्वर ने अपने सुसमाचार का प्रचार करना शुरू किया, परमेश्वर के वचन को शुरू किया, तब शैतान ने बहुत ज़्यादा रोकने की प्रभु यीशु मसीह ने कोशिश की। जब प्रभु यीशु मसीह 40 दिन कुछ न खाए न पिए, जब वो जंगलों में थे, तो उस समय शैतान बहुत ज़्यादा प्रभु यीशु मसीह को क्या कर रहा था, सता रहा था, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि शैतान तू भाग जा, तू अपने प्रभु परमेश्वर की क्या कर, आराधना कर, उसके सामने अपने घुटने को टेक दे। लेकिन शैतान आसानी से हारने वाला नहीं है,
हालेलुया। तो आज हमारे जीवन में वैसे ही आज हमारे जीवन में शैतानी ताकत काम करती है। हालेलुया। यदि आज आपको ये विश्वास है, ये भरोसा है कि आपके जीवन में जो आप प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं, उसके द्वारा आपके जीवन में जो भी शैतानी ताकत होगी, जो भी बंधन होंगे, जो भी जादू और टोने होंगे, वो सब मेरे जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से निकलेगा, तो आज इस प्रार्थना को आपको रिसीव करना है, ग्रहण करना है। इसीलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जब हम देखते हैं यीशु मसीह के बारे में 8 में लिखा हुआ है, जिस तरीके से फिर शैतान जिस तरीके से यीशु को एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उसे संसार के सभी राज और उनका वैभव दिखाया। शैतान ने तब उससे कहा, ये सभी वस्तुएं मैं तुझे दे दूंगा यदि तू मेरे आगे झुके और मेरी उपासना करे। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यीशु मसीह ने कहा, फिर शैतान ने जिस तरीके से यीशु ने उससे कहा, शैतान दूर हो, क्योंकि बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का वचन पवित्र हैं। तो आज हमारे जीवन से ये हर प्रकार की शैतानी ताकत को हमें आज्ञा देना है कि ये शैतान मेरे जीवन से दूर हो जा, निकल, तो आज आपके जीवन शैतानी ताकत भागेगी। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रार्थना की ओर चलते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा। बेटे इस समय प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस उन समय के लिए जो आज आपके बच्चे इस समय उपस्थित हैं पिता परमेश्वर, उनके दिलों में, उनके घरों में, उनके जीवन में, उनके विचार में पिता परमेश्वर आप उनकी सहायता और मदद करने वाले, उन्हें पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करने वाले पिता आप हैं यीशु मसीह के नाम से। उनके घरों में उन्हें तरो और ताज़ा रखने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते हैं। आज वो हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को लेकर के, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को लेकर के हम यही विनती करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज इनकी जीवन की हर प्रकार की विचारधारा को बदल पिता परमेश्वर। जो आज अपने घर में लड़ाई और झंझटों के कारण बहुत ज़्यादा हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, उनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। इस समय जो आज अपने आंसुओं को भिगो रहे हैं पिता परमेश्वर, अपने आंखों को आंसुओं से भिजो करके पिता परमेश्वर आपके कदमों में रख रहे हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं। सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कि वो जयवंत हो पिता परमेश्वर, हर एक काम सफल हो पिता परमेश्वर, जिस काम में वो हाथ लगाए पिता परमेश्वर, आप में आपकी महिमा होने पाए पिता परमेश्वर उस काम में, और उसके लिए महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं कि प्रभु इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें जीवन दिया, श्वास दिया है, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं के लिए, गंदी आत्माओं के लिए, हर प्रकार की समस्याओं के लिए हम विनती करते हैं, दुआ करते हैं कि परमेश्वर अपने बच्चों को देख पिता परमेश्वर, जो इस समय टूट गए हैं अपने दिलों से पिता परमेश्वर, अपने विचार से पिता परमेश्वर, अपने मन से पिता परमेश्वर, उन्हें खड़ा कर यीशु मसीह के नाम से। प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं कि सुंदर समय के लिए आज उन्हें खड़ा कर, उन्हें हर प्रकार की विपत्तियों से, हर प्रकार की मुसीबत से बचा प्रभु, क्योंकि वो आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा उनके शरीर से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से, उनके जीवन से वो हर प्रकार की बीमारियाँ दूर होने पाए यीशु मसीह के नाम से। आज उनके घरों के लिए हम दुआ करते हैं, उनके बच्चों के लिए दुआ करते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में ढेर सारे काम सफल हो पिता परमेश्वर, उन कामों में आशीष दे पिता परमेश्वर, जिसमें वो इस समय अपने आप को विफल महसूस कर रहे हैं, अपने आप को ये समझते हैं कि मेरा काम क्यों नहीं सफल हो रहा पिता परमेश्वर। असफलता की ओर जो बढ़ चुके हैं पिता परमेश्वर, उन्हें सफलता की ओर ला पिता परमेश्वर, खड़ा कर पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर, हे सृष्टि के मालिक को धार करता परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं कि प्रभु आज उनकी विचारधारा को बदल दे से, उनकी नेगेटिव विचार को खत्म कर पिता परमेश्वर, जो नकारात्मक विचार उनके शरीर में, उनके जीवन में, उनके हर प्रकार की पॉजिटिव पिता परमेश्वर थिंकिंग लाए पिता परमेश्वर, हर प्रकार के नेगेटिव विचार को खत्म कर यीशु मसीह के नाम से, और उनके जीवन में पॉजिटिव विचार आने पाए पिता परमेश्वर, उसके लिए हम दुआ करते हैं और आज्ञा देते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा उनके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग आए, ढेर सारा प्यार आए, ढेर सारी आशीष आए पिता परमेश्वर, उसके लिए महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि परमेश्वर इस समय जो आज आपके बच्चे अपनी बीमारियों को लेकर के प्रार्थना करते हैं, जो बुजुर्ग इस समय जो आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, जिनके पैरों में दर्द है, जिनके घुटनों में दर्द है, जिनके सिर में दर्द है, जिनके हड्डियों में दर्द है पिता परमेश्वर, जिनके हाथ पैर और फ्रैक्चर हो चुके हैं पिता परमेश्वर, उनके लिए दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, उन्हें सब कुछ यीशु मसीह के नाम से क्लियर कर, वो हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार के संकट से पिता परमेश्वर उनके जीवन से निकले। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं और आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि आपके बच्चे इस समय अच्छा महसूस कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन से हर प्रकार की बीमारियों को आप खत्म करेंगे। हमें विश्वास है पिता परमेश्वर के सुंदर समय के लिए आज उनके जीवन में वो खुशियां देने जा रहे हैं, और जिनके बेटे और बेटियां नहीं हैं पिता परमेश्वर उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, और जिनके ब्लड में कैंसर, अनेक प्रकार के कैंसर हो चुके हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से।
हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माओं के लिए आज्ञा देते हैं इसी वक्त इनके शरीर से, इनके दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा जो इनके शरीर में वास करती हैं पिता परमेश्वर, इनके काम में, इनके बिजनेस में, इनके धंधों में पिता परमेश्वर, इनके मनों में, इनके शरीर में, इनके विचारों में पिता परमेश्वर, जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं वो काम करती हैं, वो वर्क करती हैं पिता परमेश्वर, इसी वक्त वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के बंधन जो काम में रुकावटें अड़चने आ रही, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल। इसलिए हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि जो बच्चे आपकी इस समय सुन रहे हैं प्रार्थना पिता परमेश्वर, उनके नौकरी के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आज जिनके ब्लड कैंसर हो चुका है, जो हार्ट के पेशेंट हो चुके हैं पिता परमेश्वर, जो सर्दी और जुकाम और बुखार की वजह से पिता परमेश्वर बहुत दिनों से बहुत सारी दवाइयों को खा रहे हैं, तकलीफों से झेल रहे हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए आज्ञा देते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र लहू के द्वारा पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त वो चंगे हों, इसी वक्त वो चंगे हों। वो हर प्रकार की बीमारियों के लिए हम दुआ करते हैं कि इस समय पिता परमेश्वर, इस समय जो रिसीव कर रहे हैं प्रार्थना को, सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, जो अपने आंसुओं को भिगो करके पिता परमेश्वर इस टाइम पे पिता परमेश्वर आपसे विनती करते हैं और अपने आप की महसूस करते हैं कि अपने जीवन में जो उन्होंने पाप किया उसे स्वीकार करते हैं और वो ग्रहण करते हैं कि प्रभु उनकी जीवन के हालात को बदलेंगे यीशु मसीह के नाम से। आज उन्हें चेंज कर, चेंज योर लाइफ पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, चेंज योर लाइफ, योर सेल्फ लाइफ इस मसीह के नाम से। इसी वक्त आपकी लाइफ को परमेश्वर चेंज करने जा रहा है, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को परमेश्वर करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर आपको ढेर सारी ब्लेसिंग देने जा रहा है, ढेर सारा प्यार देने जा रहा है। हम उसके लिए दुआ करते हैं कि इस वक्त पिता परमेश्वर उनके जीवन में वो हालात को देख पिता परमेश्वर, वो हर प्रकार की समस्याओं को देख पिता प्रभु, क्योंकि आप उनके जीवन को बदलने वाले हैं, आप उनके घरों को बदलने वाले हैं, आप उनके विचारों को बदलने वाले हैं, आप उनके जीवन को बदलने वाले यीशु मसीह के नाम से। इसके लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि प्रभु आज इनके उठा करके खड़ा कर, जो आज बेड पे लेटे हुए हैं या हॉस्पिटल में लेटे हुए हैं पिता परमेश्वर, जिनके आज अनेक प्रकार की दवाइयों के द्वारा पिता परमेश्वर उन्हें खड़ा होने की आप सामर्थ्य दे, ताकत दे पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा इनके शरीर से, इनके जीवन से पिता परमेश्वर इसी वक्त निकले। वो हर प्रकार के जो इनके बांझपन का रोग बना हुआ पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि मेरी बहुत सारी बहनें हैं जिनके जीवन में आज तक पिता परमेश्वर बच्चे नहीं हैं, उनके लिए हम आज्ञा देते हैं कि प्रभु आज उनके जीवन को, उनके कोख को पिता परमेश्वर अभिषेक कर, पवित्र आत्मा के द्वारा उनके जीवन को भर पिता परमेश्वर। और जितने मेरे मसीह भाई बहन आज जो उदास हैं, उनके जीवन में खुशियाँ लाएं प्रभु, क्योंकि हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर इस समय जो उपस्थित हैं आपके बेटे हैं, वो आपके बच्चे हैं। भले उनसे भूलने में, जाने अनजाने में किसी प्रकार की कोई गलतियाँ हो गई, वो मानते हैं खुदा कि आपने उन्हें क्षमा कर दिया, उनके हर प्रकार के अपराधों और गुनाहों को क्षमा कर दिया, उन्हें हर प्रकार की मुश्किल घड़ी से आपने उन्हें बचाया, उन्हें छुड़ाया पिता। इसके लिए हम दुआ करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि इसी वक्त रिसीव करिए, रिसीव करिए। हर प्रकार के जो दर्द से महसूस कर रहे हैं अपने आप को, वो सभी अपने आप को किसी भी प्रकार का दर्द क्यों ना हो, अनेक प्रकार छोटा से लेकर के बड़ा से, कितनी भी बड़ी से बड़ी बीमारी आपके शरीर में क्यों ना हो, आज अपने हाथों में पानी के लीजिए, थोड़ा एक गिलास पानी लीजिए और आज आप आज्ञा देंगे, पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक परमेश्वर आपको करेगा और आपके जीवन में हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माएं, और परमेश्वर के वचन को ध्यान से जिस तरीके से परमेश्वर ने आपको बताया है, यदि मांगोगे तो तुम्हें ये दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यदि आज जो कोई मांगता है उसे मिलेगा और जो कोई उसे ढूंढता है वो पाएगा, और जो परमेश्वर आपको देना चाहता है वो आपको 100% आपको मिलेगा। ये विश्वास रखिए और भरोसा रखिए, प्रभु आपको अभिषेक करने जा रहा। आपने एक हाथ में, जिस तरीके से दोनों हाथ में गिलास को पकड़ लीजिए और अपने आँखों को बंद करके आज इसी वक्त किसी भी हालात में कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, जब इस पानी को आप प्रार्थना करने के बाद जब उस व्यक्ति को पानी आप पिलाएंगे, उसको विश्वास करना होगा कि ये मेरे जीवन से बीमारियां, समस्याएं, किसी भी प्रकार की समस्याएं क्यों ना हो, वो इसी वक्त चंगी होंगी। इसी वक्त आपके शरीर से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माएं, वो हर प्रकार की बीमारियां इस पानी की वजह से आपके शरीर में पवित्र आत्मा प्रवेश करेगी यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा मेरे शरीर में जो भी कुछ है पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर। इस छोटे से पिता परमेश्वर स्थान पर बैठ करके मैं आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करता हूं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, जो इसमें प्रार्थना को दिल से रिसीव कर रहे हैं,
जो वो चाहते हैं पिता परमेश्वर, पानी पीने के बाद उनके जीवन वैसा ही हो पिता परमेश्वर, क्योंकि पानी पीने के बाद पिता परमेश्वर उनके जीवन में वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त निकलेंगे। आपको विश्वास रखना, भरोसा रखना यीशु मसीह के नाम से, उसके पवित्र प्रभु के नाम से आपको धन्यवाद करना, उसकी महिमा करना कि परमेश्वर आज मेरे शरीर से, मेरे जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे अनेक प्रकार के बिजनेस से, अनेक प्रकार के कामों से, अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माओं से, गंदी आत्माओं से पिता मुझे आजाद कर यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी प्रशंसा करते हैं कि परमेश्वर इसी वक्त पिता परमेश्वर इनके जीवन के हर प्रकार के हालातों को देख पिता परमेश्वर, इनके मन में जो भी सवाल है पिता परमेश्वर उसे क्लियर करे, उसे साफ करे पिता परमेश्वर, इनके मन में जो विचार इस समय आ रहा है पिता परमेश्वर, अपने हाथों में जो पानी उठा करके रखें, जब ये पिएंगे किसी को पिलाएंगे पिता परमेश्वर इसी वक्त वो उनके जीवन वो आंसर मिलेगा और वो हर चीज़ इनके जीवन में उनका जवाब होगा और उनकी गवाही होगी पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते हैं कि वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के बंधन, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा इनके शरीर से, इनके घर से, इनकी बीमारियों से, इनके हर एक चीज़ों से दूर यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त निकल पिता परमेश्वर। किसी प्रकार के निगेटिव विचार हो, लड़ाई हो, झगड़े हो, अनेक प्रकार की बातें हों, किसी प्रकार कोई काम रुका है, बंद है, या पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, सिर में दर्द है, या किसी भी प्रकार के हालातों को वो देखते हैं, किसी भी प्रकार की परिस्थितियों को इस समय देख रहे हैं पिता परमेश्वर, अपने घर में बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं पिता परमेश्वर, अपने जॉब में, अपनी नौकरी में पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें अभिषेक कर पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा उनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त इनके शरीर से, इनके घर से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा, हर प्रकार की बीमारियों के लिए हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। सत्कलम 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 यीशु मसीह के नाम से छू छो पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर ने छो पिता परमेश्वर के लिए आपकी महिमा करते, आपकी प्रशंसा करते कि आपने छुआ पिता परमेश्वर, आपने सब कुछ दूर कर दिया यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना, आपको भरोसा रखना है कि परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, आपकी मदद करेगा। जो पानी आपने लिया था उसे अच्छे से पीजिए और विश्वास के द्वारा पीजिए या पिलाइए, अभी इसी वक्त आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार होंगे और बड़ी बड़ी गवाहियां आपके जीवन में आएंगी। तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप अपनी गवाही को अवश्य भेजें व्हाट्सएप के जरिए, अपनी वीडियो बना करके, ताकि हम उसे दिखाएं और परमेश्वर के जीवन में जो परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया है उसको दूसरों तक पहुँचाना हमारा काम है। इसीलिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो अपना बीज बोना चाहते हैं परमेश्वर के भवन में, आपको परमेश्वर यदि आप 10 बोते हैं तो उसे परमेश्वर आपको 100 देगा यीशु मसीह के नाम से। आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा ही परमेश्वर के योग्य है और परमेश्वर आपकी प्रशंसा करता है, आपकी महिमा करता है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने भी मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार अपना बीज बो सकते हैं। परमेश्वर उसमें आपको बहुत ज़्यादा फलवंत बनाएगा, बहुत ढेर सारी आपको आशीष देगा यीशु मसीह के नाम से, आमीन।